ओके जी, लेट अस गेट आवर सेल्फ फेमिलियराइज्ड विद द प्लॉट ऑफ प्ले हैमलेट। हैमलेट इज अनडाउटली द ग्रेटेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो इन दिस सेक्शन यू आर गिवन एन एक्ट वाइज समरी ऑफ द प्ले हैमलेट। ओके जी, तो प्ले जो एक्ट वन है, जब उसका आगाज होता है तो इन द बिगनिंग वी सी ए सोल्जर, एक सोल्जर जिसका नाम जो है फ्रांसिस्को है। फ्रांसिस्को जो है ये जो एल्सिनोर का कास्टल है जिसमें ये पूरा ड्रामा पेश आता है, उसका गार्ड है, ठीक है। और ये वहाँ पे मिडनाइट को वॉक कर रहा होता है, मतलब गार्ड की ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है, एंड ही सीज अ घोस्ट, ठीक है। अब घोस्ट जो है वो फर्स्ट टाइम नहीं देख रहा, बल्कि ही हैज सीन इट फॉर 2 और 3 टाइम नाउ। अब वो अपने ऑफिसर्स को रिपोर्ट करता है, उसके ऑफिसर्स का नाम है बर्नार्डो एंड मर्सेलेस, ठीक है। इनको वो रिपोर्ट करता है कि भाई मैंने रात को घोस्ट देखा है जो कि पूरे 1 बजे जो है वो आता है। जो उसके ऑफिसर्स हैं बर्नार्डो और मर्सेलेस, ये भी तो दोनों घोस्ट की अपीयरेंस जो है उसको विटनेस करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। उसके बाद फिर वो अपने फ्रेंड को, जिसका नाम होरेशियो है, रेशियो को लेकर आते हैं कि तुम आओ इस घोस्ट को एक्सपेल करो। और रेशियो जो है वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जस्ट लाइक हैमलेट, और वो स्कॉलर है और लेटिन लैंग्वेज के ऊपर उसकी कमांड है। अब आपको इस प्ले के अंदर क्रिश्चियनिटी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी दिखाई देंगे, ठीक है। जो मेडिवल एज थी क्रिश्चियनिटी की, उसमें बिलीफ ये था कि ईवल स्पिरिट्स को एक्सपेल करने के लिए आपको लेटिन लैंग्वेज के अंदर स्पेल्स पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके ईवल स्पिरिट्स में वो एक्सपेल होती हैं। तो होरेशियो यहाँ पे ही इज़ द मोस्ट सूटेबल इंडिविजुअल एज ही हैज़ कमांड ऑन लेटिन लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन ही इज़ डाउटफुल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द घोस्ट। ही बिलीव्स दैट देयर इज़ नो घोस्ट। हाउएवर, since he has been convinced by Francisco, Bernardo and Mercedes के ghost है, so he waits के भाई ghost आएगा तो अब मैं उसको देखता हूँ। Exactly at 1 o'clock the ghost appears in the persona of late King Hamlet of Denmark and is dressed in his armor. अब Hamlet जो है, King Hamlet अंग्रेजों के यहाँ यंग हैमलेट, सीनियर हैमलेट, जूनियर हैमलेट, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हैमलेट जो है ये फैमिली नेम है, ठीक है। और बादशाह हैमलेट जो है उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसका बेटा जो है ही इज़ रेफर टू एज प्रिंस हैमलेट। मतलब किंग हैमलेट की डेथ हो चुकी है, प्रिंस हैमलेट जो है वो जिंदा है, जो कि किंग हैमलेट का बेटा है। तो घोस्ट जो अपीयर होता है वो किंग हैमलेट का घोस्ट है, एंड इट इज़ ड्रेस्ड इन हिज आर्मर। आर्मर क्या होता है? वो लिबास जो कि जंग के मौके पे पहना जाता है, उसको आर्मर कहते हैं। होरेशियो जो है ही इज अफ्रेड ऑफ द आइडिया, वो इस चीज़ से खौफ ज़दा है कि घोस्ट की जो अपीरेंस है, इट इज़ एन ईवल ओमन, ये बदशगुनी का निशान है, एंड इट इज़ साइन ऑफ एन इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, कि कोई ना कोई डिज़ास्टर जो है वो हमारे मुल्क यानी कि डेनमार्क पे नाजिल होने वाला है। ड्रामे की सेटिंग जो है वो ज़्यादातर हिस्सा ड्रामे का डेनमार्क, और डेनमार्क का ये जो फोर्ट है एल्सिनोर का, यहाँ पे पेश आता है, ठीक है। मीनवाइल डेनमार्क के ऊपर हमले का खतरा भी है। नॉर्वे का नौजवान शहजादा है, नाम है उसका प्रिंस फोर्टिन बास। प्रिंस फोर्टिन बास का जो अंकल था, ही वॉज डिफीटेड, सॉरी, उसका फादर जो था ही वाज डिफीटेड बाय लेट किंग हैमलेट। वो बादशाह हैमलेट की, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसने फोर्टिन बास के फादर को डिफीट किया था। नाउ ही हैज डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। सो उस हमले का खतरा भी है, वो भी डिस्कशन चल रही है। तीनों दोस्त जो हैं वो फैसला ये करते हैं कि दे आर गोइंग टू रिपोर्ट द मैटर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट टू द प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क, यानी कि जो किंग हैमलेट का बेटा है उसको हम जाके इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे कि घोस्ट जो है वो रात को नज़र आ रहा है। जो अगला सीन है, अगला सीन हमें जो
डेनमार्क का बादशाह है उसके महल में या उसके दरबार में लेके जाया जाता है। वहाँ पे हमें पता ये चलता है कि जो ऑफिशियल मोर्निंग होती है यानी कि सरकारी जो अफसोस के दिन होते हैं उनका इख्तिताम हो चुका है। जो नया बादशाह है उसका नाम है क्लाडियस। क्लाडियस को अब आपने नाम जहन में बिठा लेना। क्लाडियस जो है ही इज अंकल ऑफ प्रिंस हैमलेट एंड आल्सो ब्रदर ऑफ किंग हैमलेट, ठीक है। और वो बड़ी एक इम्प्रेसिव किस्म की स्पीच डिलीवर करता है कि भाई मेरे भाई की डेथ हो गई। और वो फिर नोबेलिटी यानी कि जो वजीर मुशीर होते हैं जो कि दरबार के अंदर बैठे होते हैं उनका शुक्रिया अदा करता है कि तुम लोगों ने मुझे तख्त पर बिठाया। एंड ही आल्सो टॉक्स अबाउट हिज हेस्टी मैरिज विद हिज सिस्टर इन लॉ, यानी कि किंग हैमलेट की जो वाइफ थी प्रिंस हैमलेट की जो मदर है उसके साथ क्लॉडियस यानी कि जो किंग प्रिंस हैमलेट का अंकल है वो शादी कर लेता है, ठीक है। एंड ही इज आल्सो डिस्कसिंग द पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम द किंगडम ऑफ नॉर्वे के नॉर्वे जो है वो हम पे हमला करने वाला है। अच्छा अब फोर्टेनब्रास में और हैमलेट में सिमिलैरिटी है। फोर्टेनब्रास जो हैमलेट और फोर्टेनब्रास दोनों अपने अपने वालिद के यानी कि बादशाहों के बड़े बेटे हैं। कानूनी तौर पे तख्त जो है वो उनका था लेकिन ना तो फोर्टेनब्रास को तख्त पे बैठने दिया गया और ना ही हैमलेट को। राजा दोनों के चचा जो थे उन्होंने तख्त के ऊपर कब्जा कर लिया। इन द कोर्ट आल्सो क्लाडियस जो है वो परमिशन ग्रांट करता है ली एल्ट्रीज को कि वो फ्रांस चला जाए टू गेट एजुकेशन और समथिंग, ठीक। ले एल्ट्रीज जो है ये बेसिकली पोलोनियस का बेटा है। पोलोनियस जो है ये बादशाह के दरबार का एक काफ़ी अहम शख्सियत है जो कि बादशाह के काफ़ी नज़दीक है। पोलोनियस जो है इसने क्लाडियस को तख्त के ऊपर बैठने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और इसके अलावा पोलोनियस की जो औलाद है उसमें एक उसकी बेटी है उसका नाम ओफीलिया है। बेटा उसका लेअर्टिस है, ठीक है। प्रिंस हैमलेट जो है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद है एंड ही इज स्टिल इन मोर्निंग यानी कि वो अभी भी गम से बाहर नहीं आया। मोर्निंग का मतलब अफसोस करना होता है, ठीक है। तो उसका अंकल और उसका बादशाह क्लाडियस जो है वो उसको एडवाइज करता है टू ओवरकम हिज सैडनेस। हाउएवर ही इज टू सोरोफुल ऑन द लॉस ऑफ हिज फादर एंड ही इज ऑल्सो सोरोफुल ऑन द हेस्टी मैरिज ऑफ हिज मदर टू हिज अंकल। यानी कि अब यहाँ पे आपको ये चीज़ रियलाइज होनी चाहिए कि हैमलेट का गम जो है उसका गुस्सा जो है उसकी जो उदासी है उसकी दो वजूहत है। नंबर वन द डेथ ऑफ हिज फादर विच मे बी नेचुरल विच मे बी अननेचुरल, इसका डिसीजन लेटर होगा। जो दूसरी चीज़ है वो है हेस्टी मैरिज ऑफ हिज मदर टू हिज अंकल, इस चीज़ पे उसको शदीद गुस्सा है कि अभी तो जो है वो अफसोस के दिन भी पूरे नहीं हुए और उसकी वालदा ने अंकल से शादी कर ली है। अच्छा अब बादशाह और मलका दोनों इस चीज़ से अवेयर हैं कि हैमलेट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे रुको और विटनबर्ग मत जाओ। विटनबर्ग यूनिवर्सिटी है और विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में हैमलेट जो था ही वॉज गेटिंग एजुकेशन। इस लम्हे पे अब शेक्सपियर जो है वो हमें पहली सोलिलकी जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है यानी कि हैमलेट के जो अंदरूनी जज्बात हैं वो हमारे सामने खुल कर आते हैं। और हमें पता ये चलता है कि ही डिस्पाइजेज हिज अंकल कि उसको अपने अंकल से नफरत है। वो अपनी माँ के ऊपर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाता है और जो उनका रिलेशनशिप है मैट्रिमोनियल रिलेशन जो उन्होंने शादी की है उसको वो अगेंस्ट लॉ डिक्लेयर करता है क्योंकि इट इज़ इन अ क्लियर वायलेशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड रूलिंग। तो ये इंसेस्टुअस किस्म का रिलेशनशिप है, इट इज़ नॉट अ लीगल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू हैमलेट। और जो उसकी फीलिंग्स हैं डिजेक्शन की डिसमे की वो ऑब्वियसली उसकी इस सोलिलकी से रिफ्लेक्ट होती हैं। फर्स्ट जो उसकी सोलिलकी है उसके अंदर एक बहुत मशहूर लाइन है वो ये कहते हैं फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, अपनी मदर के बारे में कहता है क्योंकि अभी वालिद की डेथ को एक महीना नहीं हुआ और उसने अंकल से यानी कि क्लॉडियस से शादी कर ली है। तो वो जो
फ्रेलिटी का मतलब क्या होता है? वीकनेस, कमजोरी, नाजुकी। तो अकॉर्डिंग टू हेमलेट के जो औरतें हैं, दे आर, अब यहाँ पे औरत से मुराद ज़ाहिर है उसकी मदर है, मतलब गर्ट्रूड जो है, तो अकॉर्डिंग टू हिम दैट शी इज़ मॉरली वीक, के मॉरल वीकनेस जो है वो उसने शो की है, जो कि विद इन अ मंथ शी हैज़ मैरिड टू दी अंकल, ठीक है। और उसके बाद मजीद वो आगे इसी चीज़ को लेके चलता है, वो ये कहता है, ओ गॉड, अ बीस्ट दैट वांट्स डिस्कोर्स ऑफ रीजन वुड हैव मोर्न लॉन्गर, मैरिड विद माई अंकल, माई फादर्स ब्रदर, बट नो मोर लाइक माई फादर देन आई टू हर क्लीज विद इन अ मंथ, के एक महीना नहीं हुआ और उसने जो है वो मेरे अंकल से शादी कर लिया, एंड दैट अंकल इज नॉट एट ऑल लाइक माई फादर, ठीक है। बड़ी खूबसूरत इसकी लाइन से, अब अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी कैन नॉट कवर द होल टेक्स्ट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू दिस टेक्स्ट ऑन योर ओन, ठीक है। सो आफ्टर दैट सोलिलोक्वी एंड्स, तो रशियो जो कि उसका फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी फेलो है, बर्नार्डो एंड मेर्सिलस, ये तीनों हेमलेट के दोस्त हैं, दे इंटरप्ट हिम और उसको गोस्ट की अपीरेंस के बारे में पूरा वाकया बयान करते हैं। हेमलेट एग्री करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा द नेक्स्ट नाइट, एंड आई विल आल्सो लुक, एंड ही सस्पेक्ट्स दैट जो उसके वालिद के गोस्ट की अपीरेंस है, इन आर्मर, यानी कि वो अपने जो जंगी लिबास है उसमें अपियर कर रहा है। इसका मतलब है कि देर हैज़ बीन अ फाउल प्ले, यानी कि उसके फादर की नेचुरल डेथ नहीं हुई, रादर ही हैज़ बीन मर्डर्ड। मीनवाइल लियर्टीज जो कि पोलोनियस का बेटा है, वो अपनी यंगर सिस्टर ओफीलिया जो कि हैमलेट से प्यार करती है, उसको एडवाइस करता है कि यू शुड नॉट बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हैमलेट, वो मिस जज करता है हैमलेट के इंटेंशंस को, कि हेमलेट जो है वो तुमसे शादी नहीं करेगा। हेमलेट एंड ओफीलिया दे आर इन्वॉल्व इन दी रोमांटिक लव, और ये जो उनका रोमांटिक लव है ये लियर्ट्रीज को और पोलोनियस यानी कि बाप और बेटे दोनों को पसंद नहीं, वो नहीं चाहते कि इनका जो रिलेशन है ये मज़ीद आगे डिवेलप करे। ओफीलिया जो है उसका करेक्टर इस किस्म का दिखाया गया, दैट शी इज़ एन ओबीडियंट काइंड ऑफ लेडी, ओबीडियंट इस परस्पेक्टिव में इतनी ओबीडियंस है कि वो उसके जो पर्सनल मैटर्स हैं उस उन मैटर्स में भी वो अपने फादर की और अपने ब्रदर की जो एडवाइस है उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। पोलोनियस उसको फॉरबिड करता है, मना करता है कि यू आर नॉट गोइंग टू सी हैमलेट एनी मोर, तुम अब उससे मुलाकात नहीं करोगी। नेक्स्ट नाइट अब हैमलेट जो है वो अपने दोस्तों के साथ, जिसमें होरेशियो शामिल है, जिसमें बर्नार्डो शामिल है और मर्सिलस शामिल है, उनके साथ जो सेंट्री वॉक है यानी कि जो रात की चौकीदारी होती है वहाँ पे वो जाता है ताकि वो अपनी आंखों से गोस्ट को देखे। तो वो जाता है तो एग्जैक्टली 1 बजे गोस्ट अपीयर करता है, ठीक है, और गोस्ट जो है वो हैमलेट को अपनी जाने बुलाता है, हैमलेट गोस्ट के पीछे पीछे चल देता है, मतलब कि बहादुरी का मुजाहरा करता है। तो वहाँ पे अब उसके दोस्त उसको मना करते हैं कि नहीं 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 तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, हो सकता है दैट दिस गोस्ट माइट बी एन एजेंट ऑफ सैटन, लेकिन हैमलेट फॉलो करता है गोस्ट को। और वहाँ पे एक फेमस किस्म की प्रेडिक्शन है मैर्सिलस की, और वो ये कहता है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये मशहूर लाइनें हैं, कोटेशंस हैं जो मैंने आपको पहले 2-3 लाइनें सुनाई हैमलेट की फर्स्ट सोलिलोक्वी में से, वो भी मशहूर लाइनें हैं, उनको भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो उसके फ्रेंड्स हैमलेट को क्लोजली फॉलो करते हैं, गोस्ट मीनवाइल जो है वो हैमलेट से गुफ्तगू करता है और वो एक रेवल्यूशन करता है, वो ये कहता है कि आई एम द स्पिरिट ऑफ योर फादर, यानी कि आई एम किंग हैमलेट एंड आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू दैट आई वॉज मर्डर्ड बाय माई ब्रदर क्लाडियस, एंड दैट यू और हैमलेट मस्ट एवेंज माई डेथ, यानी कि गोस्ट उसे बताता है कि मैं बादशाह हैमलेट की रूह हूँ, मुझे मेरे भाई क्लॉडियस ने मारा था, उसने मुझे मर्डर किया है, आई डिड नॉट डाई अ नेचुरल डेथ, और तुम चूंकि मेरे बेटे हो लिहाजा वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एवेंज माई डेथ। इसके अलावा गोस्ट ये बताता है हैमलेट को दैट क्लॉडियस पोर्ड पॉइजन इन टू हिज ईयर वाइल ही वॉज एस्लीप, जब मैं सो रहा था
तो सोते हुए यानी कि नींद में क्लॉडियस ने मेरे कान के अंदर जहर के कतरे डाल दिए थे, ठीक है। सो ही टेल्स हैमलेट टू द एंड द मैट्रिमोनियल यूनियस ऑफ क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड बट डू नॉट कॉज एनी हार्म टू हर एंड रिमेंबर हिम। गोस्ट ये बताता है कि भाई तुमने ये जो इनकी शादी हुई है इस शादी को ख़त्म कराना है, लेकिन तुमने अपनी वालदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना और मुझे याद रखना है, मुझे भूलना नहीं है, ठीक है। अब ये रेवल्यूशन सुनने के बाद हैमलेट जो है ही इज़ ग्रेटली टॉर्मेंटेड, बहुत ज़्यादा वो परेशानी का शिकार, जहनी कोफ्त का शिकार होता है। ही डिवाइसेस अ प्लान, प्लान बनाता है कि मैंने इस तरीके से बदला लेना है, लेकिन वो अपना प्लान अपने दोस्तों रशियो और मर्सेलस के साथ भी शेयर नहीं करता। लेकिन वो अपने दोस्तों को सिर्फ इतना बताता है कि गोस्ट जो है यानी कि जो रू थी, जो भूत आया था, वो रियल था और वो उसके फादर का भूत था, ठीक है। अब आगे हैमलेट जो है वो प्लान ये करता है कि मैं पागलपन दिखाऊंगा, यानी कि आई प्रिटेंड टू बी मैड, और मैडनेस प्रिटेंड करने के बाद आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, कंक्लूसिव ट्रूथ, एंड देन इफ माई अंकल ही प्रूव्स टू बी यू नो मर्डर ऑफ माई फादर, देन आई विल एवेंज द डेथ ऑफ माई फादर, ठीक है। सो यहाँ पे एक्ट नंबर वन जो है उसका इख्तिताम होता है। सो नाउ वी मूव इन टू एक्ट नंबर टू, एंड इन एक्ट नंबर टू हैमलेट जैसा कि उसने प्लान कर रखा होता है कि ही इज़ गोइंग टू बी प्रिटेंड टू बी मैड, कि वो पागलपन की जो है वो एक्टिंग करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही मिस्टीरियस किस्म का उसका बिहेवियर होता है और वो ऐसे अपीयर करता है कि ही इज़ नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ हिज माइंड। लेकिन क्लॉडियस जो है ही इज़ सस्पिशियस ऑफ द मैडनेस ऑफ हैमलेट, वो इतना ज़्यादा स्केप्टिकल है, इतना ज़्यादा डाउटफुल है हैमलेट की मैडनेस के बारे में, कि वो जो हैमलेट के दो दोस्त हैं उनको पैसे देता है और उनको हैमलेट का बॉडीगार्ड बनाता है, लेकिन असल मकसद होता है हैमलेट की सर्विलेंस करना और उसके बिहेवियर के बारे में और उसकी नेचर ऑफ द मैडनेस जो है उसको डिटरमिन करना और उसकी वजह डिटरमिन करना कि वाई इज़ ही गोइंग मैड। मीनवाइल हैमलेट जो है वो अपना काम जारी रखता है पेशेंटली, यानी कि बड़े हौसले से वो एविडेंस इकट्ठी करता है और इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि क्लॉडियस जो है ही हैज़ मर्डर्ड हिज फादर, और जो गोस्ट उसे दिखाई दिया है इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ डेविल, रादर इट इज़ द स्पिरिट ऑफ हिज ओन फादर। मीनवाइल अब एक कंफ्यूजन उभरती है ओफिलिया के माइंड में, क्योंकि ओफिलिया को मना किया गया था अपने फादर की जानिब से कि तुमने हैमलेट से मिलना नहीं है। तो वो हैमलेट के जो स्ट्रेंज बिहेवियर है वो अपने फादर के सामने रिवील करती है, और उसका ये मानना है कि बिकॉज शी हैज़ नॉट बीन सीइंग हैमलेट, तो उसकी मोहब्बत में हैमलेट जो है वो पागल हो गया। मीनवाइल पोलोनियस जो कि ओफिलिया का फादर है, वो ये फैसला करता है कि ये जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओफिलिया ने दी है हैमलेट की मैडनेस के बारे में, ये क्लॉडियस यानी कि मौजूदा बादशाह के साथ शेयर की जाए। रोजनक्रांट्स और गिल्डेनस्टर्न, इनको क्लॉडियस की जानिब से, ये इसके दोनों फ्रेंड्स हैं, ये इसके यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, ठीक है। रोजनक्रांट्स एंड गिल्डेनस्टर्न ये उसके यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, इनको टास्क मिलता है किंग की जानिब से कि तुमने फ्रेंडली तौर पे हैमलेट की जासूसी करनी है और उसकी मैडनेस का एनालिसिस करना है कि आया इज़ ही रियली मैड और इज़ ही प्रिटेंडिंग टू बी मैड। क्लॉडियस जो है उसके जहन में डाउट है कि हैमलेट इज़ नॉट रियली मैड। मीनवाइल उसकी मदर जो है जिसका नाम गर्ट्रूड है, ठीक है, नाम पहले भी आ चुका है, तो उसका ये मानना है कि हैमलेट की मैडनेस की रीज़न नंबर वन पे उसके फादर की डेथ है और नंबर टू पे हर हेस्टी मैरिज टू क्लॉडियस। रियल रीज़न जो है वो ऑब्वियसली फिर जो अपेरेंट मैडनेस है उसके पीछे भी रियल रीज़न यही है। मीनवाइल पोलोनियस जो है वो हैमलेट के लव लेटर्स जो कि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग से लिखे थे ओफिलिया को, वो लव लेटर्स लेकर आता है एज अ प्रूफ कि ये वजह है हैमलेट की मैडनेस। इन लेटर्स को देखने के बाद भी क्लॉडियस जो है वो
मतलब कन्विंस नहीं होता कि हैमलेट वाकई मैड है। पोलोनियस जो है उसके लेटर्स दिखाने का मकसद होता है क्लाडियस की अप्रिसिएशन हासिल करना, कि भाई चूंकि हमारे बीच में स्टेटस का डिफरेंस है, हम निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तुम लोग उचले तबके से ताल्लुक़ रखते हो, ऊपर वाले तबके से ताल्लुक़ रखते हो, तो इस वजह से मैंने अपनी बेटी को जो है वो हैमलेट से रिलेशन रखने से रोक दिया है, मना कर दिया है। हैमलेट ये सारी सिचुएशन बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करता है, अटेंटिवली हर एक डिटेल को देखता है और सबको तकरीबन कन्विंस कर लेता है अपने इस क्रेजी और मैड बिहेवियर के बारे में, और मतलब जासूस के तौर पे वो अपने कल्प्रिट जो कि उसके चचा हैं उनको ऑफ गॉर्ड कैच करता है। ठीक है, मीनवाइल इसमें जासूसी का एलिमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा इस प्ले के अंदर नज़र आएगा। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल तो ऑलरेडी आ चुकी है, दूसरी एग्जांपल अब आपके सामने आ रही है कि पोलोनियस जो कि ओफेलिया का फादर है, क्लॉडियस जो कि मौजूदा बादशाह है उसको बादशाह बनाने में पोलोनियस का बड़ा अहम किरदार है, एंड ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरिस्टोक्रेसी यानी कि अपर क्लास जो है, जो वजीर मुशीर होते हैं उनमें से एक है, वो शेमलेसली ही ट्राइज टू यूज़ हिज डॉटर जासूसी करने के लिए हैमलेट पे, ना वो ओफीलिया को यूज़ करने की कोशिश करता है। अब हैमलेट जाहिर है उधर ही फिर रहा होता है महल में, तो वो सुन लेता है कि ये इस बंदे का प्लान है, क्लाडियस के साथ उसकी मतलब गुफ्तगू होती है, सो ही डिस्पाइजेज दिस इनएप्ट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कि ये इस रियासत का एक वजीर है और इसकी हरकतें देखो। सो मीनवाइल हैमलेट जो है वो प्रिपेयर्ड है मेंटली कि ये जो चूहे और बिल्ली का खेल है इसको मैंने किस तरीके से खेलना है ना। और जो उसके फ्रेंड्स हैं रोजेनक्रेंट्स और गाल्डेंस्टर्न, उनके साथ जब हैमलेट की पहली मुलाकात होती है तो पहली मुलाकात के अंदर ही अंदाज़ा लगा लेता है कि इनका जो असल मकसद है वो मेरी हिफाजत करना नहीं बल्कि मेरी जासूसी करना है। और मीनवाइल उसके दोस्त जो है वो कन्फेस भी कर लेते हैं, मान भी लेते हैं कि हमें क्लाडियस ने असाइनमेंट दी है कि हमने तुम्हारी जासूसी करनी है। इसके अलावा उसके फ्रेंड्स हैमलेट को ये बताते हैं कि दे हैव मेट अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स एंड दीज एक्टर्स दे आर अप्रोचिंग द कास्टर। हैमलेट जो है वो यहाँ पे डिसाइड करता है, वो फैसला करता है कि ही इज गोइंग टू अरेंज अ स्टेज प्ले ऑफ दीज एक्टर्स, और जो हैमलेट की डिस्कशन है इन एक्टर्स के साथ कि आपने ये प्ले करना है, ये उसमें हैमलेट की हमें इंसैनिटी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, हमें दिखाई देता है कि वो बिल्कुल अपने होशो हवास में है। द प्लेयर सीक परमिशन टू प्ले ए मर्डर ऑफ गॉन्ज़गो। ठीक है, ये ड्रामे का नाम है जो कि वो महल के वजीर मुशीर और बादशाह और मलका के सामने पेश करें। ठीक है, और हैमलेट जो है वो ये कहता है कि मैं इस प्ले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, चेंज करूंगा बाय इंसर्टिंग अ शॉर्ट स्पीच ऑफ हिम, कि अपनी स्पीच थोड़ी सी इसके अंदर ऐड करूंगा। अब इस ड्रामे को कहते हैं अ प्ले विद इन अ प्ले, ठीक है, या फिर इसको माउस ट्रैप भी कहा जाता है, बाज़ लोग इसको माउस ट्रैप का नाम देते हैं, लेकिन इट इज़ अ प्ले विद इन अ प्ले, और प्ले का नाम क्या है, मर्डर ऑफ गॉन्ज़गो। इसके बाद हैमलेट की सोलिलॉक्वी नंबर 2 है, उसके अंदर हैमलेट जो है वो जो उसका एम्बिशन है रिवेंज का उसके ऊपर ख्यालात का इजहार करता है, एंड ही पॉन्डर्स सोचता है कि जो उसने प्रोग्रेस अभी तक दिखाई है इट इज़ वेरी लेस, और अपनी प्रोग्रेस से वो डिससेटिस्फेक्शन का इजहार करता है, लेकिन उसको उम्मीद वाबस्ता है कि ये जो ड्रामा वो रचाने जा रहा है यानी कि मर्डर ऑफ गॉन्ज़गो, इस मतलब कि प्ले की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस प्ले ही विल हैव सफिशेंट एविडेंस ये साबित करने के लिए कि क्लाडियस जो है ही इज गिल्टी, एंड वंस इट इज प्रूव्ड फर्दर दैट ही इज गिल्टी देन ही कैन डिसाइड हिज फेट। ठीक है, सो हियर इज द एंड ऑफ एक्ट नंबर 2। जी, नाउ वी मूव ऑन टू एक्ट नंबर 3। इन एक्ट नंबर 3 क्लाडियस जो है वो अपने स्पाइज जो थे उसके, जो हैमलेट के फ्रेंड थे गुल्डेनस्टर्न और रोजनक्रेंट्स, उनसे कहता है कि भाई बताओ मुझे तुम अपनी फाइंडिंग्स बताओ। सो वो
क्लॉडियस को पूरी बात नहीं बताते कि हैमलेट ने जो है वो हमें अपना पर्पस वगैरह बता दिया है, और लेकिन वो उसे ये बताते हैं कि हैमलेट ने हमें अपने से फासले पे रखा है और ये एक उसका बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंज है। इसके अलावा वो हैमलेट का जो इनकाउंटर है विद द एक्टर्स उसको डिस्क्राइब करते हैं, और फर्दर मतलब के क्वेश्चनिंग जो है क्लॉडियस की जानिब से उससे उनकी बचत हो जाती है। पोलोनियस जो है मीनवाइल वो रिक्वेस्ट करता है क्वीन से और किंग से कि वो प्ले जो है जो कि हैमलेट ने अरेंज किया है उसको अटेंड करें। सो बोथ द किंग एंड द क्वीन दे एग्री जब उनको पता चलता है कि हैमलेट की जानिब से उनको इनविटेशन आया है। ठीक है, मीनवाइल पोलोनियस और किंग जो है मिलकर वो स्टेज सेट करते हैं कि हैमलेट का जो है वो पता लगाया जाए कि आया उसकी मैडनेस की वजह जो है वो इट इज इट लव ऑफ ओफीलिया और नॉट। तो पोलोनियस जो है वो स्टेज सेट करता है, ओफीलिया के हाथ में किताब पकड़ाई जाती है टू रीड, और वो और बादशाह जो है वो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं ताकि वो हैमलेट के बिहेवियर को देख सकें। हैमलेट जो है वो रूम में दाखिल होता है, वो ओफीलिया को देखता है दैट शी इज रीडिंग द बुक, सो ही इज ओवरपावर्ड बाय हिज इमोशंस ऑफ लव एंड अफेक्शन। ऑब्वियसली व्हेन अ लवर सीज हिज बिलव्ड देन जो इमोशंस हैं वो ओवरपावर कर लेते हैं, लेकिन हैमलेट बहुत जल्दी रियलाइज कर लेता है कि ये जो सिचुएशन है ये उसके लिए ट्रैप सेट किया गया है। ठीक है, सो ओफिलिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मेमोरीज या यादें या जो तुम्हारे गिफ्ट हैं वो सारे के सारे तुम्हें वापस करना चाहती हूँ, और हैमलेट जो है इस बात पे गुस्सा करता है और हैमलेट उसकी इंसल्ट करता है। वहाँ पे उसकी बड़ी खूबसूरत लाइन है, वो ये कहता है, उसे कहता है गेट दी टू ननरी कि तुम जो है अगर इफ़ यू वॉन्ट टू बी सो प्योर एंड इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड लव देन यू शुड बिकम अ नन, ननरी में चली जाओ। नन्स जो होती हैं वो अपनी लाइफ डेडिकेट करती हैं टू द सर्विस ऑफ द रिलीजन एंड दे डू नॉट गेट मैरिड, और बाकी जितनी सेंशुअल लाइफ है उससे वो अवॉइड करती हैं। ओफिलिया जो है वो हैमलेट की इन हरकतों को देखकर अंदाज़ा लगाती है कि ही इज़ इन रियल इनसेन के वो हकीकी तौर पर मतलब के पागल हो चुका है, और उसका दिल जो है हैमलेट का वो टूट चुका है। लेकिन क्लाडियस जो है उसने इनिशियल बिहेवियर चूंकि हल्का सा देख लिया तो इस वजह से उसके सस्पिशन जो हैं वो हैमलेट के बारे में कंफर्म हो जाते हैं कि ही इज़ नॉट मैड एट ऑल, रादर ही इज़ प्लानिंग समथिंग, कि इसके जहन में कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है। तो वो जो हैमलेट की प्लानिंग है उसको मुतासिर करने के लिए और जो भी उसकी प्लानिंग के नतायज होंगे उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको सबड्यू करने के लिए ही डिसाइड्स कि हैमलेट को इंग्लैंड भेजा जाएगा एक मिशन पे, और वहाँ पे फिर हैमलेट को मरवा दिया जाएगा। हैमलेट को मीनवाइल क्लाडियस का ये जो प्लान है इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। वो प्लेयर्स को जो है वो ब्रीफ करता है कि तुम लोगों ने किस तरीके से एक्टिंग करनी है, और वो जो एक्टिंग है वो ऑब्वियसली एक किस्म का आईना होगा जो कि बादशाह को और मलका को जो है वो दिखाया जाएगा। तो ड्रामे के आगाज से हैमलेट जो उसके प्लान्स हैं वो होरेशियो जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है उसके साथ शेयर करता है, और उसे बताता है कि घोस्ट ने मुझे ये बात बताई है, और जब एक्टिंग हो रही होगी तो तुमने बादशाह की फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं उनको ऑब्जर्व करना है एंड यू विल रियलाइज दैट ही इज़ द गिल्टी इंडिविजुअल। तो प्ले के आगाज से पहले बादशाह और मलका जो है वो एंटर होते हैं, और हैमलेट जो है वो गुस्से में आके जो मलका और बादशाह के साथ वजीर मुशीर होते हैं उनकी इंसल्ट करता है, उसमें पोलोनियस भी शामिल है, वो पोलोनियस का भी मजाक उड़ाता है। और जब मलका उसे कहती है कि तुम डिसेंटली बिहेव करो तो वो मलका पे इल्ज़ाम लगाता है ऑफ दी हेस्टी मैरिज कि तुमने बहुत जल्दी थी शादी करने की, अभी तो बाप को मरे हुए जो है वो 1 महीना भी नहीं हुआ था तुमने शादी कर ली, और वो मलका की भी इंसल्ट करता है। तो एक्टर्स जो हैं वो स्टेज पे दाखिल होते हैं, और ऑब्वियसली फिर परफॉर्मेंस चूँकि हैमलेट की जिस तरीके से डायरेक्शंस हैं उसी तरीके से वो एक्ट करते हैं। प्लेयर किंग यानी कि जो बादशाह है मतलब ड्रामे के अंदर वो
अपनी गिरती हुई सेहत के बारे में जो है वो थोड़ा परेशान है, और जो उसकी एक्टर वाइफ है वो, या एक्टर क्वीन है, उसको वो ये बताता है दैट शी विल गेट मैरी सेकेंड टाइम एज सून एज ही डाइज, कि जैसे ही मेरी मौत होगी तो मैं फ़ौरन दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। क्वीन जो है वो कन्फेस करती है उसके सामने कि इफ़ दिस हैपन देन द सेकेंड हस्बैंड वुड बी द मर्डर ऑफ द फर्स्ट वन, कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे जिस बंदे से मैं शादी कर रही हूँ उसने तुम्हारा कत्ल किया है। एंड द सेकेंड मैरिज वुड नॉट बी अ प्रोडक्ट ऑफ लव बट मटीरियल लस्ट, कि ये जो दूसरी शादी होगी ये मोहब्बत का नतीजा नहीं होगी बल्कि ये लस्ट का नतीजा होगी। तो मलका जब इस, यानी कि जो रियल मलका है वो स्टेज पे जब इस ड्रामा को देख रही होती है तो शी इज़ स्टंड, और उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि अपने आप को कंट्रोल करना और ये जो पूरा ड्रामा जो है इसको देखना, क्योंकि जाहिर है सिचुएशन ऑब्वियसली एक आईना सामने नज़र आ गया ना, कि तुमने 40 डेज भी पूरे नहीं होने दिए, अभी 1 महीना नहीं हुआ और तुमने दूसरी शादी कर ली। मीन वाइल क्लाडियस जो है ही इज़ वेरी एंग्री एंड ही इंक्वायर्स हैमलेट इज़ देयर एनी अदर ऑफेंसिव कॉन्टेंट इन द प्ले, कि इसके अलावा कुछ और भी ऑफेंसिव नेचर का है तो मुझे अभी बता दो। तो हैमलेट उसको बताता है कि भाई यहाँ पे मर्डर होगा किंग प्लेयर किंग का, यानी कि जो एक्टर है किंग, और मर्डर होगा उसके स्टेट के लिए, उसके रियासत के लिए। तो बादशाह क्लॉडियस जो है वो ड्रामे को छोड़ के चला जाता है, और उसके मतलब के कोर्टियर्स जो कि दरबारी हैं वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। हैमलेट मीनवाइल इज़ हैप्पी ऑफ इज सक्सेस, और वो अपने आप को एक फर्स्ट क्लास किस्म का प्रोड्यूसर डिक्लेयर करता है, एंड ही बिलीव्स दैट ही हैज़ सक्सीडेड। इस लम्हे पे उसके दोस्त जो हैं वो एंटर होते हैं, और वो हैमलेट को बताते हैं कि बादशाह जो है क्लाडियस ही इज़ वेरी एंग्री, ही इज़ फ्यूरियस एट द प्ले दैट यू हैव अरेंज्ड। तो एट दिस पॉइंट नाउ हैमलेट हैज़ रियलाइज दैट क्लाडियस नोज एंड ही आल्सो नोज, लेकिन दोनों को पता है कि भाई मर्डर किसने किया है। तो इस लम्हे वो ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले तो अपनी माँ से मिलेगा। तो जब वो माँ से मिलने जाता है तो वो इस चीज़ का भी डिसीजन करता है दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू हर्ट हर, क्योंकि बाप के भूत ने ये कहा था कि माँ को कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुँचाना। मीनवाइल क्लाडियस ये फैसला कर लेता है कि मैं हैमलेट को इंग्लैंड भेजूंगा और वहां पे इसका जो है ना वो सारा बंदोबस्त हो जाएगा, ही विल बी मर्डर्ड देयर बाय द इंग्लिश किंग, ठीक है। और जब हैमलेट ये फैसला करता है कि वो अपनी माँ से जाके मिलेगा, पोलोनियस जो है, जो कि बहुत ही बड़ा चमचा आप कह लें क्लाडियस का, वो ये डिसाइड करता है कि ही इज़ गोइंग टू ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप का मतलब होता है कि छुप के बातें सुनना, कि वो हैमलेट की और उसकी मदर की जो कन्वर्सेशन है उसको छुप के सुनेगा। मीनवाइल क्लाडियस जो है ही इज ओवर पावर्ड बाय द गिल्ट, यानी कि जो उसने जुर्म सरजद किया है अपने भाई को मारने का, उसका अफसोस और उसका गम, और वो जो जमीर मलामत करता है उसको जमीर मलामत करना शुरू कर देता है, और वो जानता है कि जो उसने मतलब कि जुर्म किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके नतायज जो है इस मतलब के क्राइम के, वो तो उसको भुगतने पड़ेंगे इन दिस वर्ल्ड, अगर इस दुनिया में नहीं तो फिर इन द वर्ल्ड हियर आफ्टर, ठीक है। सो अब ही इज रेडी टू आस्क फॉर हेवन्स फॉरगिवनेस, कि वो माफी मांगने के लिए तैयार है, रिपेंट करने के लिए तैयार है, अनलाइक डॉक्टर फास्टस के जो कि रिपेंट करने के लिए तैयार ही नहीं था, ठीक है। सो ही इज रेडी टू रिपेंट, हाउएवर द थिंग इज दैट ही इज नॉट विलिंग टू लेट लेट गो द फ्रूट्स, के जो इस गुनाह को सरजद करने के बाद जो चीज़ उसने कमाई है, यानी कि तख्त और मलका, दो चीज़ें हासिल की ना, एक एक तो उसने तख्त हासिल कर लिया, दूसरा ये कि मलका से शादी कर ली, इन दोनों चीज़ों को वो छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। तो जब तक आप वो दोनों चीज़ें फ्रूट्स ऑफ द सिन जो है उनको आप छोड़ेंगे नहीं, तो फिर फॉरगिवनेस जो है वो आपको हेवन की जानिब से मिल नहीं सकती। तो दस देर इज नो रिपेंटेंस, ना तो रिपेंटेंस है क्योंकि वो थ्रोन भी नहीं छोड़ना चाहता, अगर रिपेंटेंस होगी
तो वो फिर ज़ाहिर तख्त तो उसको छोड़ना पड़ेगा और मलका को भी छोड़ना पड़ेगा, तो वो दोनों चीज़ें नहीं छोड़ता, तो लिहाजा उसको उसको फॉरगिवनेस जो है वो नहीं मिलती। अब हैमलेट जो है वो मीन वाइल ये सारी बातें ना क्लॉडियस दुआ मांगते हुए इबादत करते हुए कर रहा होता है, ठीक है, ऊंची आवाज में कर रहा होता है, हैमलेट पीछे से सुन रहा होता है। अब हैमलेट के पास चांस होता है यहाँ पे कि वो अपने फादर की डेथ का मतलब के बदला ले ले ना, ठीक है, इफ ही वांटेड तो वो वहां पे रिवेंज ले सकता था, लेकिन हैमलेट इज अ रिलीजियस इंडिविजुअल, ही इज अ ट्रू क्रिश्चियन, सो ही मिसेस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज किलिंग क्लॉडियस वाइल ही इज इन प्रेयर, कि जब वो दुआ मांग रहा है और उसका जमीर मलामत भी कर रहा है कि मैंने ये गलत काम किया है, तो ऐसी सूरत में उसको फिर माफी मिल सकती है ऊपर अल्लाह ताला से, तो वो ये चाहता है कि मैं इसको ऐसी हालत में मारूं कि जब ये कोई गलत काम कर रहा हो, ताकि इसको यहाँ पे भी पनिशमेंट मिले और इसको अगले जहान में भी पनिशमेंट मिले। इसके अलावा एक और चीज जो हैमलेट चाहता है, वो ये चाहता है कि इसका गिल्ट जो है, इसका जुर्म जो है, ये पब्लिक के सामने रिवील हो। जब हैमलेट मतलब कि क्लॉडियस को कत्ल करे, तो उस वक्त तक क्लॉडियस का जुर्म जो है वो पब्लिक को पता चल जाना चाहिए, ताकि क्लॉडियस के मरने पे लोगों के दिलों में क्लॉडियस के लिए सिंपथी पैदा ना हो, मतलब कि पब्लिक सिंपथी होती है ना, कि वो जनरेट ना हो लोगों के भाई इसको देखो इसके भतीजे ने तख्त की खातिर जो है वो मार दिया ना, तो ये सिंपथी लोगों के अंदर जनरेट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो ये भी अपनी माँ को भी रियलाइज करवाना चाहता है इस चीज के जरिए कि जब जाहिर क्लॉडियस का जुर्म रिवील होगा, तो ऑब्वियसली फिर उसकी माँ को भी पता चल जाएगा दैट शी हैज मैरिड अ विकेड मैन हु हैज नो सेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज, के ऐसे शख्स से शादी की जो कि विकेड है, इंतहाई बुरा शख्स है और मॉरल वैल्यूज यानी कि अखलाकियात का जरा भर भी उसको ख्याल नहीं है। मीन वाइल हैमलेट और जरा मतलब के गर्ट्रूड की मुलाकात होनी है, डिसीजन हो चुका है, तो पोलोनियस जो है जो कि चमचा है क्लाडियस का, वो मलका को गाइड करता है कि तुमने हैमलेट के साथ सख्त रवैया रखना है, उसके मिसबिहेवियर को टॉलरेट नहीं करना। अब हैमलेट दाखिल होता है अपनी माँ के रूम में एंड ही इज अनअवेयर के पोलोनियस वहां पे पर्दे के पीछे छुप के इनकी बातें सुन रहा है। हैमलेट जैसे ही दाखिल होता है तो ही अक्यूजेस हिज मदर ऑफ फेथलेसनेस, कि तुमने बेवफाई की है मेरे बाप के साथ। मलका इस बात पे गुस्से में आ जाती है और वो बादशाह को बुलाना चाहती है यानी कि क्लॉडियस को बुलाना चाहती है, लेकिन हैमलेट उसको अपनी माँ को इजाजत नहीं देता कि तुम बादशाह को बुलाओ। पोलोनियस जब देखता है कि हालात खराब हो रहे हैं, हाथापाई शुरू हो गई है, तो वो हेल्प की आवाज लगाता है लाउडली। अब हैमलेट को पता नहीं चलता कि ये पोलोनियस है या कि क्लॉडियस है, तो हैमलेट जो है वो अपनी तलवार निकालता है, पर्दे के पीछे खड़े उस शख्स को जो है वो मार देता है गुस्से में। मलका जो है वो उस पे इल्जाम लगाती है हैमलेट पे ऑफ रैश एंड ब्लडी डीड, कि तुमने बहुत जल्दबाजी में एक शख्स का कत्ल कर दिया है, लेकिन हैमलेट उसके बदले में माँ पे इल्जाम लगाता है, वो ये कहता है कि यू आर एन अकम्प्लिस इन हिज फादर्स मर्डर, कि तुम मेरे बाप के कत्ल में बराबर की शरीक हो, और वो ट्रूथ रिवील करता है, माँ को बताता है कि मुझे इस तरीके से पता है कि मेरे बाप का कत्ल हुआ है और वो कत्ल हमारे यानी कि मेरे चचा ने किया है। शी इज हार्ट ब्रोकन, जाहिर है उसका दिल टूटता है इस बात पे, नहीं वो इस बात पे दिल टूटता है कि ये अपने चचा पे इल्जाम क्यों लगा रहा है। ही चार्जेस हर ऑफ इमोरालिटी, इमोडेस्टी, हाइपोक्रेसी एंड हर वायलेशन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल टू एन अपॉलिंग डिग्री। हैमलेट सारे इल्जाम लगा देता है वहां पे कि तुम इमोरल हो, तुम इमोडेस्ट हो, तुम हिपोक्रेट हो, और तुमने जो मजहबी असूल हैं उनको जो है वो रौंद कर इस शख्स से शादी किया क्लॉडियस से, क्योंकि मजहब जो वो तुम्हें इस शख्स के साथ शादी की इजाजत नहीं देता। इसके बाद हम दाखिल होते हैं एक्ट नंबर 4 में। एक्ट नंबर 4 के अंदर मलका गर्ट्रूड जो है वो ये जो सारा वाकया है
पोलोनियस की डेथ का, हैमलेट की जो एक्यूजेशंस हैं और हैमलेट का इल्ज़ाम है क्लॉडियस के ऊपर कि तुमने किंग हैमलेट को मारा है, ये सारा वाक्या वो क्लॉडियस को रिलेट करती है इन अ फिट ऑफ डिसबिलीफ के उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये सारी बातें सच है। मीनवाइल क्लॉडियस जो कि मुजरिम है वो उसी वक्त रियलाइज कर लेता है कि अगर पर्दे के पीछे मैं छुपा होता तो आज पोलोनियस की जगह मेरी डेड बॉडी जो है वो मिलती लोगों को ना। और उसको रियलाइज हो जाता है कि उसकी जिंदगी को शदीद किस्म का खतरा लाहक है और वो फैसला कर लेता है कि वो हैमलेट को यहाँ से दूर भेज देगा। हैमलेट को दरबार के अंदर बुलाया जाता है। क्लॉडियस जो है अब उसको यकीन है कि हैमलेट पागल नहीं है बल्कि अपने होशो हवास में है और ये पागलपन का लिबादा इसने ओढ़ रखा है ताकि ये अपने बाप की मौत का मुझसे बदला ले। हैमलेट मीनवाइल पोलोनियस की डेड बॉडी जो है उसका किसी को भी नहीं बताता कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है और वो क्लॉडियस से कहता है कि यू शुड विजिट हेल टू मीट हिम, कि अगर तुम उसे मिलना चाहते हो पोलोनियस से तो तुम्हें भी दोजख में जाके तो उससे मिलना होगा। अब हैमलेट जो है चूंकि नौजवान शहजादा है, पढ़ा लिखा है, मजहबी नेचर का भी है, शुरू में आपने देखा कि जैसे वो गोस्ट के ऊपर यकीन नहीं कर लेता कि ये हो सकता है कोई ईविल स्पिरिट हो, वो यकीन करना चाहता है, इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। फिर उसके बाद क्लॉडियस के को मारने का मौका था उसके पास, लेकिन वो चूंकि दुआ मांग रहा था, तो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी इफ यू आर किल्ड इन अ गुड डीड सो आपकी रूह जो है वो बख्श दी जाती है, तो हैमलेट नहीं चाहता कि उसके चाचा की रूह को बख्शा जाए तो इस वजह से वो वहां पे उसको मारता नहीं। तो मतलब कि ये चीजें रिवील करती हैं कि हैमलेट इज अ ट्रू क्रिश्चियन हीरो ना, ठीक है, इन अ रियल सेंस जो है ना क्रिश्चियन हीरो जो है वो हैमलेट है। हैमलेट चूंकि दरबारियों में काफी ज्यादा मशहूर है लेकिन इसके बावजूद वो लोग भी कन्विंस हो जाते हैं कि इसको किसी भूत या किसी साय का शिकार हो गया है और इस वजह से इसका प्रॉपर बिहेवियर लोगों के साथ नहीं है। हैमलेट मीनवाइल इनकार कर देता है कि वो ही इज नॉट गोइंग टू लीव फॉर इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड नहीं जाएगा, लेकिन क्लॉडियस ने चूंकि अपनी जान बचानी है, हैमलेट की यहाँ मौजूदगी एक लम्हे के लिए भी उसकी जान को खतरे में डाल सकती है, तो लिहाजा वो फैसला करता है कि इसको जैसे भी हो तुम इंग्लैंड रवाना करो, ठीक है, कश्ती पे बिठाओ और इसको इंग्लैंड भेजो। और मीनवाइल वो सील्ड ऑर्डर्स जो है वो भी दे देता है, लेटर लिखता है, इट इज सील्ड कि हैमलेट शुड बी एग्जीक्यूटेड वाइल ही इज इन इंग्लैंड, के इंग्लैंड के अंदर इसको कत्ल कर दिया जाए। और वो मतलब कि कन्फेस करता है क्लॉडियस कि अनटिल, यानी कि उस वक्त तक, जिस वक्त तक हैमलेट जिंदा है उस वक्त तक मैं सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। अब यहाँ पे हैमलेट की लॉस्ट सोलिलॉक्वी आती है जिसमें वो रिग्रेट का इजहार करता है कि वो अभी तक रिवेंज क्यों नहीं ले सका, ठीक है, और उसकी जाहिर सेंसिटिव किस्म की नेचर है, इंट्रोस्पेक्टिव नेचर है कि वो अपने आप के साथ अपने आप के अंदर जो है वो नुक्स ढूंढता रहता है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, ही हैज बीन स्ट्राइविंग हार्ड टू ब्रिंग द कल्प्रिट टू जस्टिस। और यहाँ पे स्पीच के अंदर हमें जो हैमलेट की फ्रस्ट्रेशन है बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ यू नो डिसीजन मेकिंग या इन डिसाइसिवनेस जो उसकी है हैमलेट की, उसके ऊपर वो अपने आप के ऊपर ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मीनवाइल बिकॉज पोलोनियस हैज डाइड, तो ओफीलिया जो कि पोलोनियस की बेटी है, शी इज वेरी ग्रीफ स्टिकन, शी इज वेरी सैड एंड शी विजिट्स द क्वीन, मलका से मिलने आती है। मलका इनिशियली रिफ्यूज करती है कि भाई मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन बाद में होरेशियो की रिकमेंडेशन पे मलका जो है वो ओफीलिया से मिलती है। व्हेन शी एंटर्स सो द क्वीन गर्ट्रूड शी सीज दैट शी इज इन अ वेरी मिजरेबल स्टेट एंड शी इज ऑलमोस्ट इनसेन, यानी कि ओफीलिया जो है वो अपना जहनी तवाजुन खो चुकी है। क्लॉडियस जब ओफीलिया की हालत देखता है तो ही इज ऑल्सो वेरी टच्ड एट द स्पेक्टिकल एंड ही इज वरीड अबाउट दी सीक्रेट बैरियल ऑफ पोलोनियस, के उसको चुपके से जो है वो दफना दिया गया है। मीन वाइल क्लॉडियस को एक और खतरा जो है वो दरपेश होता है और वो है लियर्टीज की जानब से। लियर्टीज जिसको एक्ट 1 के अंदर फ्रांस भेजा गया था टू गेट
एजुकेशन ही हैज़ रिटर्न्ड, वो वापस आ चुका है, एंड ही इज़ सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज फादर्स डिसअपीयरेंस, कि उसका फादर जो है यानी कि पोलोनियस जो है वो गायब कैसे हो गया। तो जब खातर ख्वाह इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो ही बार्जेस इनटू द कैस्टल, यानी कि वो दरवाज़ा तोड़ के तो दाखिल होता है जो महल है एल्सिनोर का, उसमें और उसके साथ लोगों का एक मजमा भी है, और वो क्लाडियस से इंक्वायर करता है कि वेयर इज़ माई फादर। क्लाडियस मीनवाइल उसको थोड़ा सा हौसला देता है, पुरसकून करता है, और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा टू सीक रिवेंज फ्रॉम योर फादर्स मर्डर, के वो शख्स जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया है, उस शख्स से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो हैरान हो जाता है अपनी सिस्टर को देख के कि इसकी क्या मिजरेबल किस्म की स्टेट है, ओफिलिया शी इज़ नॉट इन ऑब्वियसली राइट स्टेट ऑफ माइंड, एंड शी डज नॉट इवन रिकग्नाइज हर ब्रदर, यानी कि वो अपनी भाई को पहचानती भी नहीं है। क्लॉडियस जो है वो वादा करता है लियर्टीज से दैट ही वुड इन्वेस्टिगेट हिज फादर्स डेथ एंड गिल्टी विल बी पनिश्ड। अब जाहिर है क्लॉडियस को इल्म है कि हैमलेट ने पोलोनियस का कत्ल किया। मीनवाइल होरेशियो को जो है वो लेटर रिसीव होता है फ्रॉम हैमलेट, एंड उस लेटर के अंदर हैमलेट बताता है कि वो उस कश्ती से भाग गया जो कश्ती उसको इंग्लैंड लेके जा रही थी, क्योंकि कश्ती को पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया, तो हैमलेट वहां से जान बचाकर भाग गया। इसके बाद वो हिदायत देता है होरेशियो को कि ये कुछ लेटर्स हैं जो कि तुम बादशाह को डिलीवर करो। होरेशियो एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाता और वो लेटर्स जाके किंग के हवाले कर देता है। मीनवाइल क्लॉडियस जो है वो लियर्ट्रीज को उसके बाप के कत्ल के बारे में इन्फॉर्म करता है और उसको एडवाइज करता है कि तुम अपने दिल के अंदर जो बदले की आग है उसको जलता रहने दो, और उसको हौसला देता है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक अच्छी खबर मिलेगी। उसका मतलब यह है कि हैमलेट का जहर है मर्डर हो जाएगा इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि उसने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं ना। तो मीनवाइल इसी दौरान ही जो है वो क्लॉडियस को लेटर्स रिसीव हो जाते हैं होरेशियो जो कि डिलीवर करता है, और ये लेटर हैमलेट के हैं, और ही इज स्टार्टल्ड, चौंक जाता है कि हैमलेट तो जो है वो डेनमार्क के अंदर है, ही इज नॉट इन इंग्लैंड। और हैमलेट जो है वो बताता है कि वो बहुत जल्दी आके जो है वो अपना आने का मकसद बताएगा। क्लाडियस और लियर्ट्रीज जो हैं वो मीनवाइल कंस्पायर करते हैं कि हैमलेट को किस तरीके से मारा जाए, और मारने का जाहिर है उस दौर में तरीकाकार ये होता था कि जब किसी शख्स का को नुकसान होता या जब कोई मर्डर हो जाता तो उसके रिश्तेदार या उसके भाई या उसके बेटे जो थे वो इंसाफ का तरीका कार है कि ये था कि वो कातिल को चैलेंज करते कि तुम हमसे लड़ाई लड़ो, डुअल। डुअल जो होता है इट इज फाइट टिल डेथ, कि एक शख्स ने मरना है। अगर तो कातिल जीत गया तो मतलब कि उसने ठीक मर्डर किया है, कि वो जायज मर्डर था, और अगर जो है वो कातिल मारा जाता है तो इसका मतलब ये था कि भई ये ना हक था कत्ल, और इस वजह से ये शख्स मारा गया। डुअल जो है वो चूंकि रवायात में था, यानी कि ये जो लड़ाई होती है ये रवायात में थी, तो इस वजह से अगर हैमलेट इस तरीके से मरता भी है तो फिर लोग जो है वो शक की निगाह से क्लॉडियस को नहीं देखेंगे, तो इस वजह से वो ये तरीकाकार इख्तियार करने का बताता है। उसके बाद ओफिलिया की डेथ की न्यूज़ आ जाती है जो कि लियर्ट्री तक पहुंचती है, एंड ही इज इन अ स्टेट ऑफ ग्रीफ एंड सॉरोफुलनेस, और इस किस्म का गम और अफसोस के जो कि उसने कभी जिंदगी में पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। उसकी जाहिर है बहन से मोहब्बत थी। अब ओफिलिया की डेथ जो है वो डूब के मरने से होती है, शी ड्राउन्स, लेकिन सस्पिशन ये है कि उसने खुदकुशी की है। अब आपको पता है कि इस्लाम के अंदर खुदकुशी करना हराम है, क्रिश्चियनिटी जो है ईसाइत वो भी चूंकि ज़ाहिर अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया मज़हब है, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी खुदकुशी करना हराम है, और वो शख्स के जो कि खुदकुशी करता है उसको
चर्च जो है वो बैरियल नहीं देती, यानी कि चर्च के हवाले से या जो मजहबी रसूमात होती हैं वो उस शख्स के मरने पे अदा नहीं की जाती। तो अब उसको फिर ओपन ग्राउंड के अंदर, यानी कि जो कब्रिस्तान होता है क्रिश्चियंस का, उस के बाहर कहीं दफनाया जाएगा, उस कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा। मीनवाइल हैमलेट और होरेशियो जो हैं वो भी इस ये जो फ्यूनरल प्रोसेशन होता है उसका हिस्सा बन जाते हैं। हैमलेट को नहीं पता होता कि हु हैज़ डाइड, लेकिन वो बहुत जल्दी रियलाइज कर लेता है कि जो डिसीज्ड है उसको रेगुलर जो फ्यूनरल सर्विसेज होती हैं, जो कि चर्च की जानिब से नहीं दी जाती हैं, ये वो नहीं है। तो मतलब ये कि जो जो भी शख्स है ये सुसाइड विक्टिम है, किसने अपनी जान खुद ली है। जब हैमलेट को रियलाइज होता है कि मरने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि ओफीलिया है, तो ऑब्वियसली ही हैज लव्ड ओफीलिया थ्रू आउट हिज लाइफ, ही इज इन लव विद हर स्टिल, तो उसके जो इमोशंस हैं वो उसको ओवरपावर कर लेते हैं एंड ही जंप्स इनटू हर ग्रेव। मीनवाइज लियर्टीज जो कि उसका भाई है वो भी कब्र के अंदर छलांग लगा देता है इन अ फ्यूरी टू होल्ड हिज सिस्टर्स आर्म, कि वो भी गुस्से में है कि वो अपनी सिस्टर को खुद दफनाना चाहता है। जब फ्यूनरल सर्विसेज खत्म होती हैं तो बादशाह जो है वो लियर्टीज को इस चीज की जमानत देता है कि अब बहुत जल्दी हैमलेट का टाइम खत्म होने वाला है और ये यकीनन जो है ये मारा जाएगा। जी, तो अब हम मूव करते हैं इनटू द फाइनल एक्ट, और हैमलेट जो है ही इंस्टेंटली एग्रीज टू फाइट द ड्यूअल विद लियर्टीज। हाउएवर ही इज इग्नोरेंट, उसको पता नहीं है कि लियर्टीज ने और जो उसका फादर है, मौजूदा फादर यानी कि स्टेप फादर क्लॉडियस, उन्होंने ये फैसला किया है कि ये इसको पॉइजन सोर्ड से मारेंगे, यानी कि वो तलवार जिससे लियर्टीज लड़ेगा उस तलवार पे जहर लगा होगा, जहर आलूदा तलवार होगी। सो ड्यूरिंग द फाइट सोर्ड्स फॉल एंड गेट एक्सचेंज, लड़ाई के दौरान दोनों की तलवारें गिर जाती हैं और हैमलेट की तलवार लियर्टीज के हाथ में और लियर्टीज की तलवार हैमलेट के हाथ में। सो लियर्टीज इज वाउंडेड बाय हिज ओन पॉइजन सोर्ड, फियरिंग दैट हिज एंड इज नियर ही रिवील्स क्लॉडियस ट्रेचरी टू हिम। अब लियर्टीज को पता चल गया कि मुझे जो जख्म लगा है वो जहर आलूदा तलवार से लगा है और मैंने मर जाना है, तो वो मरने से पहले अच्छा काम करता है, वो हैमलेट को बता देता है कि ये तुम्हारे जो स्टेप फादर है ये उसका मशवरा था और इस पे जहर लगा हुआ है, तो लिहाजा मैंने मर जाना है। मीनवाइल जो मलका है, अब हैमलेट भी उसी तलवार से जख्मी हो चुका है, तो लिहाजा मरना हैमलेट ने भी है। लियर्टिस भी जख्मी हो गया, उसने भी मरना है। मीनवाइल क्वीन जो है वो शराब का प्याला पी लेती है जो कि हैमलेट को मारने के लिए रखा गया था, कि जाहिर है हैमलेट जीत गया है तो उसकी सक्सेस यानी कि जीत का जश्न होगा। जीत का जश्न आपको पता है शराब के जरिए होता है, तो हैमलेट वो शराब पीने से इनकार कर देता है, तो उसकी माँ शराब पी लेती। शराब चूंकि जहर आलूदा होती है तो वो उसकी माँ भी मर जाती है। अब लियर्टीज डाइज, गर्टूड डाइज, हैमलेट ने मरना है, वो भी तलवार से जख्मी है, और हैमलेट मीनवाइल फोर्स करता है बादशाह को कि तुम ये अब जो बाकी जहर का प्याला है इसको पियो, और जब हैमलेट जहर है उसको भी मार देता है, फिर मर जाता है क्लॉडियस भी। और जब हैमलेट रियलाइज करता है कि उसका टाइम नज़दीक है, तो वो रेशियो को बताता है कि तुमने जो मेरे बाप के कत्ल की कहानी है ये तुमने कहानी पूरी दुनिया को बतानी है, ठीक है। अब स्टेज के ऊपर डेड बॉडीज हैं, जो कि शेक्सपियर का आपको पता है कि जितनी भी मतलब के ट्रेजिडीज हैं उसकी, उसके एंड पे स्टेज इज रिलेटेड विद द डेड बॉडीज। सो वी हैव डेड बॉडी ऑफ हैमलेट, वी हैव डेड बॉडी ऑफ क्लाडियस, वी हैव डेड बॉडी ऑफ गर्ट्रूड, वी हैव डेड बॉडी ऑफ लियर्टीज, फर्दर मोर टू और थ्री अदर पीपल हैव ऑल्सो डाइड, जिसमें ओफीलिया शामिल है, जिसमें पोलोनियस शामिल है और जिसमें किंग हैमलेट शामिल है, यानी कि टोटल 7 डेथ्स जो हैं वो आपको इस प्ले के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो एट द एंड 14 ब्रास जो है, जो कि हु द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ही अराइव्स
कि वो डेनमार्क से अपना बदला लेगा। तो हैमलेट जो है वो प्रोक्लेम करता है कि फोर्टिन ब्रॉस जो है ही शुड बी मेड द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क। तो यहाँ पे प्ले का इख्तिताम हो जाता है। ठीक है, स्टोरी इसकी ये है। अब डिटेल में मतलब कोटेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें आप जब तक टेक्स्ट में से गो थ्रू नहीं करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चल सकती। ठीक है।